Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. In last class we discussed about integration and method of integration, that is integration by substitution. तो सब्सटीट्यूशन पे देखा कि एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक स्पेशल फॉर्मेट में होते हैं, एंड दैट फॉर्मेट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखा एफ एक्स जी एक्स देन मल्टीप्लाइड बाय जी प्राइम एक्स इनटू डी एक्स. कई बार ये फॉर्मेट हमको सीधा दिख जाता है, कई बार थोड़ा एडजस्टमेंट करके हमको इस फॉर्मेट में लाना होता है, राइट. इस तरह के प्रॉब्लम जब होते हैं उनको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और वो हमने देखा था देयर आर प्रॉपर प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर एग्जैक्टली उन स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड डेफिनेटली यू विल रीच टू अप टू लाइक फाइनली टू सम वेरी सिंपल इंटीग्रेशन दैट यू कैन सॉल्व इजीली. सो लेट्स सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स ऑन इट सो दैट यू आर फीलिंग बेटर more confident on this topic. तो देखते हैं अभी इसमें और भी काफी सारे प्रॉब्लम के यहाँ exactly ये कैसे काम करता है, and you will enjoy it, I hope. So let's see. So we have more examples on it. Let's consider integration of simple tan x dx. Actually, it's not looking like that for it, but yes, actually it is. We need to rearrange it. Told you sometimes things doesn't appear exactly in that format directly, but they are. So see, now next step. If I write this, I can write it sine x by cos x into dx. Correct? तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं cos x को t लेता हूँ, तो उसका differentiation क्या हो रहा है? Sine x dx. तो ये t है, तो ये क्या हो गया? Something basically dt, right? And like sin x dx is equal to dt. And one more thing actually here, I need to mention, like it's one formula, so you should remember this formula also. We told you that if it is x raised to power n dx, then integration is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1, but n should not be equal to minus 1 here, is it? So, if n is equal to minus 1, then ये क्या हो जाएगा 1 by x, right? उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला अपना नहीं लगता है पावर रूल. इन दैट केस वी हैव डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है किसका डिफरेंशिएशन 1 by x आता है. आप थोड़ा सा सोचोगे remember things from the differentiation part. तो अगर ने देखा था कि ln x, इसको अगर हम differentiate करते हैं d by dx of ln x, तो ये 1 by x आएगा. Correct. तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको integrate करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि integration of 1 by x dx will be equal to natural log x plus c. So remember this one more formula. Because we will need it here. Okay, so this is just additional point here, so keep that in mind. Okay, let's come back to this problem now. So ये था अपना tan x dx integration. यहाँ पे देख रहे हैं कि sine by cos, क्योंकि straight forward देखने से ये कुछ उस तरह के format में नहीं दिख रहा था, f dx sin x something, and like g prime x. हाँ, लेकिन यहाँ पे अब देखो cos x को अगेन, क्योंकि ये सॉल्व तो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, हाँ उस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, दैट इज अनदर पॉइंट. तो अभी सब्स्टिट्यूशन से होगा, देन वी शुड फॉलो एग्जैक्टली दोज स्टेप्स. और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है, दैट यू शुड कीप इन माइंड और यू शुड लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एक्चुअली. तो cos x को अपन यहाँ पे ले लेते हैं t. नेक्स्ट स्टेप होता है अपना वही डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 1. जिसका मतलब आ गया अपने पास साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस डी टी. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, इन दोनों स्टेप से हमारे पास जो पूरा फंक्शन होता है उसके लिए
नए वेरिएबल की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। थर्ड स्टेप कहता है कि इनको सब्स्टिट्यूट करना। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया अपना डीटी, और ये कॉस एक्स कितना है टी, एंड यस वन माइनस साइन विल बी आल्सो देयर सो माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज इसका इंटीग्रेशन होता है बेसिकली माइनस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एल एन टी प्लस सी इज इट, बट नॉट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ टी। तो टी अपना एक्चुअली में क्या है कॉस एक्स, तो इसको हम वापस यहां पे रख देंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो ये एक्चुअली में तुम्हारा आंसर हो जाता है। एक और चीज होती है जो तुम्हें लॉग में पढ़ाई गई होगी कि नेचुरल लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड भी लगा देते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट दिस वे आल्सो। ये फिजिक्स में अपन को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ मैथ्स में आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। सो यू कैन राइट द आंसर माइनस ऑफ एल एन इंटू मॉड कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे समझ में आ गया दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो अगर ये आ गया है तो आप डेफिनेटली आप अगर मैं ये प्रॉब्लम देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ट्राई गेट द आंसर। ओके सो लेट्स सी मोर प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस वन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से साइन ऑफ 2x dx, क्योंकि एक्चुअली यहां पे देख सकते हैं साइन x का इंटीग्रेशन अपन को मालूम है, साइन 2x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो ये यहां पर बेसिकली अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या भी थोड़ा सा ये आप देखोगे तो एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, बट लेट मी जस्ट गो फॉर वन स्टेप दैट इट विल एग्जैक्टली अपीयर इन दैट फॉर्मेट, ठीक है ना। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इनटू 1 इनटू dx, करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, मेथड वही है सॉल्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर 2x f ऑफ dx, 2x की जगह अगर t होता तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t मुझे आता है, तो दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है और क्या सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब ये प्रॉब्लम है 2x, अगर 2x हटा करके t रख देते हैं तो ये साइन t हो जाएगा जो कि हमें आता है। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि किसे हटाना है और किस टर्म से रिप्लेस करना है, राइट। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 2x बराबर क्या देंगे हम सेकेंड स्टेप क्या रहता है अपना इसको डिफरेंशिएशन करना। तो ये क्या हो जाएगा 2 इनटू x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ना के x, और यहाँ पे dt बाय t dt तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया dx इन बराबर क्या आ गया dt, ये dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, और क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए मैंने 2 को इधर भेज दिया। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या हो गया, तो अभी आप देख लोगे तो आगे आपको जैसे भी इस तरह के मॉडल्स दिखाई देंगे इमीडिएटली दीज थॉट्स दीज पॉइंट्स विल स्ट्राइक इन योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू अप्रोच, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो लर्न द अप्रोच कि हाँ इस तरह की सिचुएशन में ऐसे जाना होता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 1 dx बराबर dt, थर्ड स्टेप रहता है अपना सब्स्टिट्यूशन। तो थर्ड स्टेप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो साइन 2x क्या आ गया, ये तो साइन साइन 2x की वैल्यू अपने पास t, और ये जो 1 dx है उसको अपने क्या लिख दिया dt by 2। तो अभी ये क्या आ जाएगा अपने पास, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो 1 by 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t
इंटू डी डी, और ये तो अपन को आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये, क्योंकि ये खुद ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था तो इसमें ये भी ज्यादा तुम्हें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बट नाउ डेफिनेटली दिस इज द इजीएस्ट केस, दिस इज द इजी प्रॉब्लम। सो इसको आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, माइनस वन बाई टू एंड साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन कॉस टी एंड प्लस सी, एंड अगेन नॉट रिमेम्बर नॉट फॉरगेट टू रिप्लेस टी, तो टी अपने पास यहाँ पे क्या है टू एक्स, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया ये माइनस ऑफ कॉस टू एक्स बाय टू प्लस सी, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, इज इट। मैं इसी तरह के प्रॉब्लम को जनरल टर्म्स में बेसिकली ये बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन या कुछ भी एम एक्स ये डी एक्स है, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, जस्ट फॉर दिस स्टैंडर्ड के ये साइन की जगह कॉस भी हो सकता है एंड लाइक दैट, तो इसमें क्या करना है कि अल्टीमेटली क्या करना है, अपन इसको टी लेते हैं और उसकी वजह से ये क्या है डिवीजन में आ जाता है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में है ना, करना क्या है तुम्हें इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, जो तुम्हें आता है फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन करो, तो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भूल जाता हूँ, तो इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस, और यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे रख दो, क्या है एम एक्स है ना राइट प्लस सी, बस क्योंकि ये एक्स नहीं है तो यहाँ पे जो डिफरेंट आएगा वो ये आता है कि जो ये कॉन्स्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई में है उसे सिंपली हमें यहाँ डिवीजन में रख देना, राइट, दिस इज अ यू कैन से राइट थंब रूल ओनली वैलिड फॉर सच केस, I mean sin 5x, sin 4x, cos 2x, cos 3x, like only in that case you can remember it, you can apply it actually. तो इसका एज इट इज जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वो करेंगे और बस यहाँ पे क्या करना है जो x के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में उसको डिनोमिनेटर में हम रख देंगे, सो दिस इज योर प्रॉब्लम और दिस इज यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट, सो यू कैन रिमेम्बर दिस केस आल्सो राइट, सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ integration by substitution. Let's see more cases for it. Okay, let's continue with more problems actually. Right, so here we have, let's say, integration of this, I am writing sine of cos of x into sine x dx. So, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्योंकि इस तरह का इंटीग्रेशन हमने अभी तक नहीं देखा, बट आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी चीजें दैट दिस इज एग्जैक्टली दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप साइन ऑफ समथिंग, ये फंक्शन अगर साइन टी होता तो हम सॉल्व कर पाते, तो ये कुछ ऑन है लाइक सम जी एक्स है और यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो रहा है जी एक्स का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाइड है, तो ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि दैट दिस प्रॉब्लम इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट बाय दैट मेथड, सो लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपन को देखो क्लियर भी हो गया ये जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया अपना एफ, ये हो गया जी और ये हो गया जी प्राइम इंटू डी एक्स, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट राइट, so let's do that, substitute what cos x, क्योंकि अपन को पता है कि sin t अगर हो जाता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं राइट, सो डेफिनेटली अपन को cos x को सब्स्टिट्यूट करना है कुछ, और क्या है आप t भी लिख सकते हैं, लेट मी राइट इट दिस टाइम u, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस आल्सो, यू कैन टेक t u w z एनीथिंग, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन है ना, डिफरेंशिएट with respect to new variable that is u, तो cos x का differentiation क्या होता है minus of sin x into x का differentiation dx by du into u का differentiation du by du, that means it's 1, तो अब इसको अपन थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, sin x into dx और ये du को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा du, और ये माइनस को भी मैं इधर भेज देता हूँ तो अपने पास आ गया ये राइट, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप क्या होता है इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अभी देखोगे ये कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला प्रॉब्लम बहुत आसान बन जाएगा, लेट्स डू टू दैट स्टेप, तो थर्ड स्टेप अपना क्या हो गया, थर्ड स्टेप इज मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन
दिस है, ये क्या हो जाएगा साइन, है ना। कॉस एक्स क्या हो गया टी इन टू, ये देखो टर्म क्या है, यहां से टी के लिए विजिबल है, और सॉरी यहां पे क्या हो गया, अपन ने इसको टी नहीं लिया, इस बार अपने इसको यू लिया है, तो हम इसको यू लेंगे। सो माइ दिस इज साइन यू एंड दिस टर्म इज कमिंग आउट टू बी माइनस, तो मैं माइनस को यहां लिख देता हूं एंड दिस इज डी यू। तो अभी देखो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे एग्जैक्टली ये कितना कॉम्प्लेक्स है लिखने वाला प्रॉब्लम, और ये आ गया सिंपल इंटीग्रेशन माइनस साइन यू डी। और इसका इंटीग्रेशन अपन को बताया क्या होता है, माइनस ऑलरेडी है तो मैं माइनस को यहां रख लेता हूं, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और वेरिएबल यहां पे क्या है यू, सो दिस यू एंड प्लस सी, राइट ना। अब यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस कॉस, और रिमेंबर दैट यू है तो अपन को वापस यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस यू की वैल्यू कॉस एक्स एंड दिस प्लस सी, तो दिस इज योर प्रॉब्लम बेसिकली, आई मीन दिस इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। यहां पे देख सकते हैं थोड़े खतरनाक से या डरावने दिखने वाले प्रॉब्लम बहुत आसानी से इसे सॉल्व हो रहे हैं, है ना। लेट्स अप्लाई इट मोर, सो लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हिच इज साइन पावर 5x इनटू cos x इनटू dx। अच्छा यहां पर भी थोड़ा सोचो, कैन यू सी इज दिस प्रॉब्लम आल्सो एग्जैक्टली अपीयरिंग इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। क्योंकि यहां पे भी देख सकते हैं कि कोई फार्मूला तो अपने पास है नहीं जो कि इसको डायरेक्टली अपन को आंसर देते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करके, राइट। डेफिनेटली एंड जो मेथड अपन देखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, अगर आप सोचोगे तो वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा इसके लिए, है ना। तो यहाँ से क्लियरली अपन को समझ पा रहा है कि दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द ओनली थिंग रिमेनिंग इन अवर हैंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और आगे देखते हैं कि उस मेथड से इसको कितना आसान बनाया जा सकता है। ओके, सो डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको सोचना पड़ेगा जब प्रॉब्लम आपके सामने, क्योंकि देखो अभी तो क्या हो रहा है, मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही अभी रिसेंटली डिस्कस किया है और मैं सभी प्रॉब्लम उस पर सॉल्व कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली यू विल बी थिंकिंग हाँ डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। बट वेन यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो वहां पे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन सा मेथड यहाँ काम कर रहा है, एंड दैट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू डू सम प्रैक्टिस। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली माइंड में फीड हो जाएगा, वो सोच पाएगा कि कब कहाँ कौन सा मेथड लगाना है। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट यस आई कैन से अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। सो टू एज मेनी एज प्रॉब्लम देन थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक नया मॉडल है इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बट मेथड इज एग्जैक्टली सेम, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ये साइन की पावर 5 का इंटीग्रेशन को नहीं आता, मैं इस फंक्शन को कुछ थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स दिस होल पावर 5 ना इंटू cos x into dx, because you can see these two are same thing actually. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं sin x को कुछ हटा करके t रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 5, और t की पावर 5 तो कुछ आसान सा दिख रहा है, उसका इंटीग्रेशन तो अपन पावर रूट से कर सकते हैं, करेक्ट ना। और दूसरी बात, ये अगर t है ना, मतलब बेसिकली gx, तो यहाँ पे देख सकते हो तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो वो भी यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है, तो अब तो क्लियरली दिख रहा है ये क्या है f of gx, और gx क्या है sin x यहाँ पर, और gx का डिफरेंशिएशन क्या है cos x dx, तो वो भी अपन को सीधा दे रखा है, तो अब तो अपन सीधा लगा सकते हैं। नाउ थिंग्स आर क्लियर टू अस कि हाँ क्या है और क्या लगाना है। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ, फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन। तो अभी अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी टर्म को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, करेक्ट ना। देखो अभी साइन एक्स को मैं कुछ टी यू वी डब्ल्यू जेड ले लूंगा, तो ये टी की पावर 5 यू की पावर 5 ऐसा अगर बन जाता है वो आसान है अपन को दिख रहा है, लेकिन अगर मैं साइन एक्स को मैंने मान के चलो कुछ ले लिया 10x, तो वो तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि 10x या फिर 10 थीटा उसकी पावर 5 तो कुछ काम नहीं है, कुछ काम का नहीं है, सही ना। सो वो अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, टू यू विल
गेट इट और वो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा कि हाँ कहाँ इससे क्या सब्सटीट्यूट करना है, राइट? ओके, सो डेफिनेटली लेट्स गो हियर, लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे तो अपन को समझ में आ रहा है कि इसे क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो लेट्स सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या कर देते हैं, लेट्स टेक अ टी, है ना? सो दिस इज माय सब्सटीट्यूट स्टेप वन। स्टेप टू क्या होता है, डिफरेंशिएटेड, फर्स्ट स्टेप को डिफरेंशिएट करने का, है ना? रिमेंबर सिंपल स्टेप्स एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट, नो नीड टू थिंक मच। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, एंड डी टी टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी मीन्स वन। तो यहां से देखो, देख सकते हो ये क्या आ गया, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, एंड dt को इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो गया, बराबर dt। तो अभी देख सकते हो हाउ सिंपल सब कुछ, आई थिंक अब तो विजिबल होना चाहिए। अब देखो थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं तब और भी एकदम आसान चीजें तो सब कुछ नजर आएगी। इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया t, और ये क्या हो गया t की पावर 5। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड स्टेप में, तो ये हो गया t पावर 5। अब देखो ये cos x into dx बराबर क्या है dt, तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या आ गया आपके पास dt, राइट? और इसको इंटीग्रेशन, आई थिंक इट्स वेरी इजी, सो यू कैन इमेजिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डरावना से दिखने वाला फंक्शन इतना आसान बन गया, करेक्ट ना? एंड दिस इज जस्ट सिंपल। सो इसको अपन क्या लिखेंगे, t पावर 5 प्लस 1 मींस 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। Don't forget to substitute back t. So finally we are getting t को हम क्या रख देंगे, t की वैल्यू क्या लिए थे अपन, sin x, तो sin x को वापस, तो sin x power 6 divided by 6 plus c, तो ये अपने पास क्या आ गया, सॉल्व होकर के sin 6 divided by 6 plus c, this is your final answer. So I hope you should be understanding that how simple or how easy this method is converting these complex problems, isn't it? Complex problem ko kitna aasan form mein convert karke tumhe de deta hai, iska integration hum bahut aasani se kar sakte hain. So let's continue with more problems. Okay, erase it. So next example, integration of what you can, all right, so let's consider integration of, this is x square plus 2x plus 5 into, this is 2x plus 2 into dx. तो यहां पर तो सीधा सीधा दिख रहा है a e power something, and that something is complex, we don't know its integration. और अगर इसको मैं कुछ dx ले लेता हूँ तो सीधा इसका gx का डिफरेंशिएशन g prime x dx से हम मल्टीप्लीकेशन में, so here you can see it's perfectly and clearly visible that it's in that standard format. So now no need to think much about it, we can stay forward, go for the method and let's go for it. So first step, we know already यहाँ पे clear हो जाना चाहिए कि किस term को substitute करना है, e power something इसका integration define नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इस term को हटा कर कुछ t रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, e की power t, और वो अपन को आता है e की power t का integration, तो इसीलिए substitution first step, है ना, substitute. ओके, सो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना? सो सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू डी, करेक्ट? तो इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स, यस, यहाँ पर क्योंकि एक्स है और टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी, और ये 2x का डिफरेंशिएशन फिर से dx by dt plus 5 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt by dt। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो सिंपल हो गया 1, है ना?
अब यहाँ से मैं dx by dt बाहर ले लेता हूँ, तो ये मेरा बचता है बेसिकली 2, वो भी अगर बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा x plus 1 into dx by dt बराबर 1, और ये dt को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया, I can write in this format, तो उस टाइम पे ये हो जाएगा मेरे पास 2x plus 2 multiplied by dx बराबर dt, तो यहाँ तक क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना, ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, एंड दैट इज दिस, तो इसका सब्स्टिट्यूट अपन ने ये ले लिया, बाकी टर्म का सब्स्टिट्यूट अपने पास सीधा सीधा आ गया, थर्ड स्टेप में अपने पास सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थर्ड स्टेप क्या हो गया, इंटीग्रेशन, देखो है ना, थर्ड स्टेप अपने पास, तो थर्ड स्टेप है ई, इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या हो गया ई, है ना, जो पावर की टर्म थी पूरी पूरी वो क्या हो गई अपनी, दिस पावर, दिस कंप्लीट टर्म इज टी, ये क्या हो गया ई की पावर टी, है ना, एंड दिस टर्म, बाकी जो बची हुई टर्म ये क्या है, ये किसके बराबर है, तो यहाँ से देख सकते हो किसके बराबर है dt के, तो ये टर्म किसके बराबर हो गई dt, अब सोच सकते हो ना ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, इसमें कुछ है क्या, दिस इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक फॉर्मूला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अपन को पता है e पावर t प्लस c, दिस इज योर आंसर, बैक टू, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली अपने पास आ जाएगा e पावर t की वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सो आई होप यू शुड बी गेटिंग द फीलिंग ऑफ इट दैट हाउ इजी इज कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इज इट, एंड कितना आसान और कितनी आसान प्रॉब्लम है कन्वर्टिंग कर देता है, करेक्ट ना, सो लेट्स सी मोर केसेस फॉर इट, एंड नेक्स्ट केस एग्जाम्पल integration of, let me see some problems from here, so we have cases, okay, थोड़ा सा अच्छा problem है, let's talk about it, 10 power 4 into root x sec square root x divided by root x into dx, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, देख सकते हैं, बट जस्ट वेट एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फिगर आउट, यहाँ पे देखो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरऑल दिखा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो क्या है कौन सा टर्म f g x d x इतना देखते हैं, बट लेट्स थिंक अबाउट इट, ओके, देखो ये हो गया 10x, 10 समथिंग रूट x, 10x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 10x होता तो ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर समथिंग, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये f ऑफ अगर g x है और जी एक्स क्या है 10 समथिंग, तो जी प्राइम एक्स क्या होता है sec स्क्वायर, तो मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको, है ना, कि इसका डिफरेंशिएशन ये, और यहाँ पे क्योंकि एक्स नहीं है ये रूट है, तो हमें चेन रूल से डिफरेंशिएशन में रूट एक्स का भी जाएंगे, तो उसकी वजह से ये वाला टर्म भी आ जाएगा, तो अभी हम लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा, तो हाँ ये भी अपना एक्चुअली उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना, सो अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम है में सोचना पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे इस फॉर्मेट में है, तो यहां पर है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को पहले तो इसे लिख देता हूं मैं, tan root x this whole power 4 multiplied by, ये हो जाएगा बेसिकली sec square root x and this whole divided by root x into dx, करेक्ट ना, अब देखो अगर मैं इस टर्म को यहां पे कुछ t ले लेता हूं, दिस इज ये पूरा फंक्शन हो गया f ऑफ t, तो यहाँ पे सॉरी f ऑफ gx, तो gx क्या हो गया यहाँ पे ये टर्म, अगर ये gx है तो इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म दिख रहा है हमको, करेक्ट ना, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा अभी ये आसान नजर आने लग गया, अब नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट क्या, तो ये हो जाता है 10 रूट एक्स को अपन को सब्स्टिट्यूट करना है, क्या टी मान लेते हैं, है ना, अब इसका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन,
रेस्पेक्ट टू डी, दिस इज सेकंड स्टेप. तो इसको टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टेन रूट एक्स और इधर डी टी बाई डी टी. इसको देखो टेन का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर जो भी है रूट एक्स, क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है तो इसलिए अपन को अब ये फर्स्ट फंक्शन अब इसके अंदर ही गए रूट एक्स. तो इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये क्या हो गया एक्स की पावर हाफ. तो एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स की पावर हाफ माइनस वन, करेक्ट ना, इंटू हाफ. तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन बेसिकली इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर वन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स, है ना. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टेन रूट एक्स, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर ये सिंपल टेन टी होता तब मैं इसको लिख देता टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर टी, लेकिन टी नहीं है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा चेन रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसके डिफरेंशिएशन में. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर जो भी है था इधर देन. तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके अंदर गए तो रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, ये क्या उसको क्या बोलेंगे एक्स की पावर हाफ, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेसिकली हाफ मतलब पावर है इनटू एक्स रेज पावर पावर वन बाय टू माइनस वन इनटू अगेन एक्स के लिए तो डी एक्स बाय डी टी बराबर वन. सो दिस इज द स्टेप. इसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया अपने पास sec स्क्वायर रूट एक्स, है ना. यहाँ पे भी देखो क्या बचेगा वन बाय टू माइनस वन, तो ये क्या बचा पावर माइनस वन, और माइनस वन मतलब डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया रूट एक्स, और ये यहाँ पे बचा टू. तो इसको मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई इंटू टू डी टी बराबर वन. तो अभी मैं इस टर्म को देखो इधर भेज देता हूँ. सो देन फाइनली वी आर गेटिंग दिस स्टेप sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाता है अपने पास टू डी टी, करेक्ट ना. तो अभी देखो क्लियरली दिख रहा है ये अगर अपना एफ ऑफ जी एक्स था तो ये पूरा क्या है जी प्राइम एक्स. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, करेक्ट ना. सो थर्ड स्टेप अपने पास सब्स्टिट्यूशन, फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें. तो ये क्या आ जाएगा थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन. ये पूरा क्या आ गया इसको क्या लिया मैंने टी, है तो टी की पावर फोर, और ये क्या है पूरा टू डी टी. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या आ गया टी पावर फोर इंटू टू डी टी, राइट. और इसको मिल सकता हूं टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर फोर इंटू डी टी, और ये तो सिंपल क्या है पावर रूल टू, और ये क्या हो जाएगा टी पावर फोर वन फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन मीन्स फाइव प्लस सी, और टी की वैल्यू यहाँ पे अपन ने कितनी ली है टेन रूट एक्स. तो फाइनली सब्स्टिट्यूटिंग बैक एंड वी आर गेटिंग आंसर दिस टेन रूट एक्स होल पावर फाइव प्लस सी एंड दिस इज योर फाइनल. तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम. लेट्स कंटिन्यू विद मोर प्रॉब्लम्स. ओके सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एल एन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इनटू डीएक्स. तो यहां पर भी ये भी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आई थिंक आप लोग इसको करेक्ट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखो ये एल एन है, इसको अगर मैं जी एक्स लेता हूं तो ये क्या हो गया जी एक्स लाइक अ होल स्क्वायर दैट इज योर एफ ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन अपना वन बाई एक्स डी एक्स. तो सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, सो वी कैन सॉल्व इट एक्जेक्टली बाय सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट इज इट राइट. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा वी विल टेक एल एन एक्स इक्वल टू डी. सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन steps to ln x ka differentiation 1 by x into
dx by dt equal to dt by dt that is equal to 1. तो इसका मतलब देखो क्या आ गया, dx by x equal to dt. तो यहां से देखो क्लियरली समझ में आ गया कि ये टर्म अगर अपना t है तो ये क्या हो गया, सिंपली dt that is dx by x. वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड स्टेप. ये क्या हो जाएगा देखो, ln x को अपन ने क्या लिया t, तो मतलब t स्क्वायर, और dx by x क्या हो गया बेसिकली अपना dt. और दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, जिसको अपन इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे, t³/3+c, एंड t की वैल्यू वापस हमको सब्स्टिट्यूट करनी होगी. ये कितना आ गया, आंसर आ गया अपना फाइनली अपने पास, t क्या है अपना ln x. तो दिस इज ln x होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट. सो अगेन फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सो लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से sin cubex into cos square x into dx. ये थोड़ा सा अलग है इसलिए, बिकॉज यू हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ केसेस. बट यहाँ पे देखो कि हाँ, अगर मैं इसको fx लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्लियरली नहीं दिख रहा है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अपन को करना होता है. लाइक सी दैट रीअरेंजमेंट, देन यू विल गेट फैमिलियर विद दिस मॉडल आल्सो. सो मेथड विल बी एग्जैक्टली सेम, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बट द ओनली इशू हियर इज दैट इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ अपीयरिंग इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो पहले इसको थोड़ा चेंज करके उस फॉर्मेट में लेके आते हैं. तो देखो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स. ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया, साइन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा और स्टेप. तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो मैंने इस कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दिया कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स. करेक्ट ना. अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना पूरा, इसमें अगर मैं कॉस एक्स को टी लेता हूँ तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स. तो ये कुछ उस तरह के फॉर्मेट में अभी क्लियरली दिखना चाहिए. करेक्ट ना. सो नाउ वी विल फॉलो दैट स्टेप. तो पहले यहां से अपन ने दो स्टेप कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किए हमने, इसको उस मॉडल में लाने के लिए किया हमने, है ना. सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट बेसिकली, सो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन. सो वो क्या होगा, अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्या टी. सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन, ये क्या हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डीएक्स बाय डीटी, डीटी बाय डीटी इक्वल टू 1. तो इसका मतलब आ गया अपने पास साइन एक्स इंटू डीएक्स बराबर क्या आ गया, डीटी को इधर और माइनस को भी इधर जाते तो माइनस डीटी. तो अभी देखो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से एग्जैक्टली कि हाँ ये भी उसी फॉर्मेट में है. करेक्ट ना. तो अब इसको वापस यहाँ चलते हैं. तो दिस इज नाउ आवर, तो देखो कॉस को अपन ने क्या लिया है टी, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये फिर से टी स्क्वायर, और ये साइन एक्स डी एक्स है माइनस डी टी. तो माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये डी टी. अब ये कुछ दिख रहा है कि आसान फॉर्मेट में है, इसको सॉल्व किया जा सकता है. लेट्स कंटिन्यू इट. सो इट्स माइनस स्टिल आउटसाइड, टी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ टी स्क्वायर एंड दिस माइनस माइनस लाइक टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर पावर 4 इंटू डी टी. करेक्ट ना. इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी पावर 3/3 माइनस टी पावर 4 का इंटीग्रेशन 4 मीन्स 5/5 दिस प्लस सी. इसको आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यह आ जाएगा टी पावर 5/5 माइनस टी पावर 3/3 प्लस सी. अब टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, यहाँ से देख सकते हो कॉस एक्स, तो वो वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा दिस इज कॉस पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी. सो दिस इज योर फाइनल आंसर.
करेक्ट। तो यहाँ पर क्या था, चीजें थोड़ी सी अलग फॉर्मेट में दिख रही थी, बट दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद मोर एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट वी हैव, लेट मी फर्स्ट इरेज इट। ओके, सो वी हैव थ्री मोर केसेस, थ्री मोर एग्जाम्पल्स। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल्सो। These all examples are also based on same integration by substitution method. Let's continue. So, यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो दिख रहा है कि हाँ ये कुछ टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो वो कुछ एक्स की टर्म्स आएगा, बट हाँ एग्जैक्टली नहीं है। दूसरी बात, तो मेथड तो वही लगेगा डेफिनेटली, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाकी और कोई यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते, करेक्ट ना। सो लेट्स सॉल्व। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यू विल सी हियर, एक्चुअली देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको हटाना है, 1 प्लस 2x स्क्वायर को अपन कुछ t लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्टेप सोचना पड़ेगा, पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन स्टेप सेम। अब मेरे पास यहाँ पे है कि 1 प्लस 2x स्क्वायर को मैं एक t ले लूंगा, देखो है ना। तो t लेने से क्या होगा, ये क्या होगा, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। बट जस्ट सी इट, ये रूट t विल कम एक्चुअली, बट अगर मैं इसी को t स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये रूट भी गायब हो जाएगा। सो दैट इज द ओनली ऑप्शनल थिंग एक्चुअली, यू कैन गो विद दिस स्टेप ऑल्सो, और यू कैन गो बाय टेकिंग दिस टर्म इक्वल टू t स्क्वायर ऑल्सो, करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट्स से इसको हम t स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप होता है अपना डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, सो डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, और x इंटू डी एक्स बाई डी टी। और यहां पे देखो टी स्क्वायर है, अभी पहले टी होता था, तो ये क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी टी। तो ये तो हो गया बेसिकली 1। तो अभी अपने पास 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या बचा बेसिकली 2x dx, और यहाँ पे ये बचा t, और ये dt को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज द रिलेशन, इसको क्योंकि ये एग्जैक्टली अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर लेता हूँ। सो x dx बराबर t dt by 2। अब देखो इसको मैं पहले तो लाइक, तो ये क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू x dx। अब दिख रहा होगा आपको ये अपन ने क्या ले लिया, t स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया ओवरऑल टर्म, क्योंकि रूट में है तो ये हो जाएगा अपना सिंपल t, और x dx की वैल्यू यहाँ से अपने पास भी आ रही है t dt by 2। तो अभी आसानी से अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप अपने पास इंटीग्रेशन, क्योंकि ये रूट में है तो t स्क्वायर रखेंगे तो रूट t मीन्स t स्क्वायर मीन्स t, और ये कितना है t dt by 2। तो by 2 को सिंपली बाहर, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, उसका इंटीग्रेशन अपन को आता है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 by 2 into t cube by 3 plus c। हाँ t की वैल्यू अपन वापस से रख सकते हैं, so finally we can get answer that is equal to 1 by 6 and 1 plus 2x square whole power 3 plus c, so this is your final answer। So I hope you understand, यहाँ पर भी चीजें exactly वही थी, सेम वही अप्रोच, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपने को सोचना पड़ा, दैट टू वो इसीलिए कि हाँ ये टी स्क्वायर लेते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो सकती है, अदरवाइज आप इसको टी लेकर के सॉल्व करोगे देन आल्सो यू विल गेट एग्जैक्टली सेम आंसर, यू कैन ट्राई इट विद टी। सो सिमिलरली लेट्स कंटिन्यू हियर, एक्चुअली वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x क्यूब होल पावर 3 इंटू dx। सो दिस इज ऑल्सो अगेन बेस्ड ऑन सेम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा कुछ है, इसको अपन को लेना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब का, तो x स्क्वायर दिख रहा है, सो एग्जैक्टली इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो नहीं आ रहा है, बट उसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, वी हैव सीन दैट सिमिलर केस इन अर्लियर प्रॉब्लम्स टू। तो यहाँ पर भी चलते हैं, सो लेट्स से सो फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट, राइट। सो क्या करना है, इसमें करेंगे 4 प्लस 3x क्यूब को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मान के चलते हैं t। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो
ये क्या हो जाएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू इसका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 4, तो ये आ जाएगा बेसिकली 9, सो 9 इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन dx by dt, और यार इधर क्या जाएगा dt by dt मतलब 1, तो यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर dx और dt को इधर भेज देते हैं, तो ये देखो क्या हमारे यहाँ पे पास एक्स स्क्वायर dx 9 भी यहाँ पर होगा बराबर dt, और मैं 9 को भी इधर सेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ हमें अपन को 9 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको भी हम वापस सेट कर दिए। अब देखो क्लियरली अब आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय दिस इज 4 प्लस 3 एक्स क्यूब होल पावर 3, तो ये अगर अपना t क्यूब हो जाएगा तो ये क्या हो रहा है dt by 9। अब यहाँ पे अपना थर्ड स्टेप बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने पर दिस टर्म इक्वल टू दिस दैट इज dt by 9, तो 9 को मैंने बाहर ले लिया और ये टर्म क्या हो गई अपने पास डी क्यूब, और ये तो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9 इंटीग्रेशन t पावर माइनस 3 dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दिस इज 1/9 t पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा बेसिकली माइनस 1/18 t पावर माइनस 2 प्लस c। हाँ t की वैल्यू क्या है आपके पास ये, तो ये अपन को वापस रखनी होगी, तो फाइनली वी आर गेटिंग बेसिकली इसको माइनस में पावर है तो मैं नीचे ले जा सकता हूँ, तो आई कैन राइट इट माइनस 1/18 और ये आ जाएगा बेसिकली 4 प्लस 3 एक्स क्यूब होल पावर, ये नीचे जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस की 2 प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस केस आंसर, सो यू कैन सी हियर एक्चुअली वी आर एबल टू गेट एक्सैक्टली लाइक इजीली विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके यहाँ पर देखते हैं, सो आई होप हियर आल्सो थिंग्स आर क्लियरली विजिबल कि एल एन एक्स पावर एम है, तो एल एन एक्स को कुछ अगर हम टी लेंगे 1/x में आ रहा है ऑटोमेटिकली इनटू डीएक्स, तो वो अपना dt हो जाएगा, सो आई होप दीस थिंग्स टू स्ट्राइक इन योर माइंड आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजीली, लेट्स गो फॉर दिस प्रॉब्लम आल्सो, सो अगेन मेथड इज सेम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वी विल फॉलो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप क्या है सब्स्टिट्यूशन राइट सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर, अब यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा किसको सब्स्टिट्यूट करना है एल एन एक्स को, क्या करना है वो टी ले सकते हो आप, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं ओके डिफरेंशिएशन, सो इसका क्या हो जाएगा 1/x एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स बाय डीटी और डीटी बाय डीटी, तो ये हो जाता है अपने पास 1, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास मैं डीएक्स बाय एक्स को लिख सकता हूँ डीटी। अभी देखो ये आई थिंक क्लियरली विजिबल है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/ln(x) होल पावर m इनटू dx by x, अब क्लियरली दिख रहा होगा ये टर्म क्या हो गई अपनी t पावर m और ये टर्म क्या हो गई dt, अभी अगर इसको हम थर्ड स्टेप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा अपने पास ये टर्म पूरी dt और ये टर्म क्या है ln x is t, ये क्या हो गया t की पावर m, सो दिस इज t पावर m और इसका इंटीग्रेशन तो आता है ना, सो दिस इज t पावर माइनस m इनटू dt बाय पावर रूल, तो ये क्या हो जाएगा t पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस 1, मैं इसको 1 माइनस m भी लिख देता हूँ, सो प्लस c, अब t की वैल्यू वापस वही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ln x होल पावर क्या हो गया दिस 1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। So basically, we solved so many problem based on integration by substitution method. तो अभी तक I think आपको clearly process क्या है exactly वो mind में set हो जानी चाहिए, क्या क्या step follow करने हैं, कैसे कैसे, हाँ चीजें कभी कभी हमें सीधी दिखती हैं straight forward, कहाँ ऐसा ऐसा है, कभी कभी चीजें हमें clearly दिखाई नहीं देती हैं,
नथिंग टू वरी अबाउट दैट टू केस. उस केस के लिए क्या करने का है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह की चीजों को ऐसे डील किया जाता है, इस तरह के केसेस को ऐसे डील किया जाता है. देन यू विल हैव लॉट ऑफ अप्रोच इन योर माइंड एंड व्हेन यू विल सी सम न्यू केसेस आल्सो देन योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वन दिस पर्टिकुलर मॉडल इज मैचिंग समथिंग सिमिलर टू दैट. तो इसीलिए इसमें उस तरह से कुछ रीअरेंज करके हम ये मेथड लगा सकते हैं. सो दिस इज अबाउट बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. नॉर्मली एक्चुअली देयर आर मोर केसेस और यू कैन से फ्यू मोर केसेस ऑफ इंटीग्रेशन विजिट मेथड, बट दोज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिकल टूल्स और अपन को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. सो वी विल जस्ट अलाइन स्टॉप इंटीग्रेशन हियर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉयड दिस इंटीग्रेशन पार्ट एंड यू सॉल्व एज मैनी एज प्रॉब्लम यू कैन. वी विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट सीट्स, गो थ्रू ऑल ऑफ दैम एंड लेट्स कम बैक विद योर डाउट्स, वी विल go for that tools. So I hope you enjoyed it. Thank you so much.